पूज्य खंडाना जी महाराज कहते थे कि बुढ़ापे में मुंह से तो कहोगे राम और निकलेगा लाम, लार और निकल जाएगी। ये सबके साथ होना है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम। सत्रह आक्रमण हुए जरासंध के। हर बार जरासंध को छोड़ दिया जाता। भगवान के सैनिकों ने कहा कि ये कौन सी नीति है युद्ध की, एक दो तीन चार पांच छह दस बारह पंद्रह बार युद्ध कर चुका और अकारण रात को युद्ध करता है, अचानक आता है रात में युद्ध करता है, हमारी सेनाएं सजग ना हो, चैतन्य ना हो, जगी ना रहे, तो ये तो पता नहीं कितना अहित कर दे। अच्छा, जरासंध रात को आता था, आक्रमण रात में करता था, जब पूरी मथुरा गाढ़ निद्रा में, वो तो कृष्ण के सैनिक कितने सजग, कितने चैतन्य, कितने जागरूक, और क्या उनकी रणनीति कि वो कभी भी प्रहार करेगा तो सजग है। इसका अर्थ क्या है कि कभी भी अचानक कोई दुरावस्था आएगी तो हम चैतन्य है, इतनी अवेकनिंग, इतनी अवेयर रहिए, इतने चैतन्य रहिए। लेकिन पांच छह बार दस पंद्रह बार भी जब जरासंध को छोड़ दिया कृष्ण ने, भगवान ने ये कर छोड़ो इसको, तो पूछा सबने कि आप इसे क्यों छोड़ देते हो, तो भगवान ने कहा कि ये दुष्टों को बीन बटोर के यहीं लाएगा, उनको यहीं निपटाएंगे। रणनीति ये है, अगर इसको यहां पकड़ लिया तो बाकी दुष्ट तो कहीं छुपे रहेंगे, कि उनको बीन बटोर के लाने दो, यहीं लाने दो। 18वीं बार में कालियवन, कालियवन आया 18वीं बार में, मुचकुंद के तप और तेज से वो मारा गया। काल को कौन मारे, भगवान रण छोड़कर भागे, भगवान संदेश देना चाहते कि 18वां युद्ध हमारे संत लड़ेंगे, 18वां युद्ध हमारे ऋषि मुनि लड़ेंगे, 18वां युद्ध हम गुरुओं के ऊपर छोड़ते हैं, मैं ही लड़ता रहूं, मेरे गुरु किस दिन काम में आएंगे। तो 17 आक्रमण किए मथुरा पर जरासंध ने, 17 के 17 आक्रमण ध्वस्त हो गए, कृष्ण विजयी हुए। और 18वीं बार जब युद्ध हुआ, 18वां युद्ध हुआ, काल जब सामने आया तो भगवान ने कहा मैंने सदा के लिए काल अगर मिटा दिया तो जितने भी प्राणी हैं इस धरती पर सब जीवित रहेंगे, फिर कोई मरेगा नहीं। अगर काल को मैंने नष्ट कर दिया तो फिर कोई भी प्राणी नहीं मरेगा, इसलिए मैं संतों पर ही छोड़ता हूं, महापुरुषों पर निर्णय, वो जो करना चाहें करें। भगवान रण छोड़कर भागे और तब से भगवान का एक नाम ये भी पड़ गया, रण छोड़ राय। भगवान ने कहा ये निपटाएंगे, संत देखेंगे। 18वां आक्रमण उन्होंने संतों के लिए, और संत मुचकुंद ने कहा मैं देखता हूं उसे। मुचकुंद ने अपनी हुंकार से काल यवन को भस्म किया। और ये हमको सच में मालूम है, ज्ञान में ही काल का नाश किया जा सकता है, ज्ञान में ही शरीर को भूला जा सकता है, ज्ञान में ही हर अवस्था से मुक्त हो सकते हैं। जीव ब्रह्म ना पर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वो एक ही है, फिर कोई दूसरा नहीं है। ये ज्ञान में ऐसा होता है। भगवान दौड़कर पूरी सबके साथ फिर निकल कहाँ गए, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, ना ना, वो तो एक सुंदर से प्रदेश में समुद्र के किनारे गुजरात में निकल गए, सुंदर से प्रदेश में द्वारिका का निर्माण हुआ, अद्भुत द्वारिका। विश्वकर्मा ने ब्रह्मा के नेतृत्व में शिव की आज्ञा से द्वारिका बनी, अद्भुत द्वारिका, मंगलमय द्वारिका।